सुंदर होती है, मेरी बड़ी खूबसूरत भी होती है। तो हमेशा मेरी भी उनको देख के मेरे अंदर भी यही भावना थी कि क्यों ना मैं भी कभी हज़ारों लोगों के सामने अपने आप को पेश करूँ कि मैं एक एयर हॉस्टेस हूँ और हमें एयर हॉस्टेस होने के साथ साथ हम लोग बहुत खूबसूरत भी होते हैं। कम्युनिटी में फेमिनाइजेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही नीडी है, इसकी वजह से मैं डॉक्टर का प्रोफेशन चूज़ करी ताकि मैं हमारे डॉक्टर हमारे कम्युनिटी को मैं हेल्प करूँ फेमिनाइजेशन प्रोसेस को। तो उसी तरीके से फेमिनाइजेशन में ये सब आते हैं, जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट होना, ब्रेस्ट इम्प्लांट होना, SRI सर्जरी होना। मैंने अपना आइडियल प्रोफेशन में मैंने चूज़ किया मैनेजर। इसका पीछे वजह ये है कि मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या हिजरा कम्युनिटी का एक पर्सन बेहतर तरीके से अपना पद के लिए काम कर सके, अपना जिम्मेदारी निभा सकते हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की में ही नहीं, पूरा LGBTQ कम्युनिटी में ही काफ़ी सारा लीगल अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमें क्राइसिस होते हैं, हैरेसमेंट होता है, घर से बेदखल किया जाता है, पर कानून का दरवाज़ा खटखटाने जाते नहीं हैं। तो मैंने ये प्रोफेशन इसलिए चूज़ किया ताकि मैं लोगों को बोल सकूं कि हाँ, हमको भी हक है। पुलिस परेशान ज़्यादा करती है और हमारी कम्युनिटी को समझ के लेती नहीं है। तो मैंने सोची कि चलो ठीक है, मैं पुलिस ही बनूंगी और अपनी कम्युनिटी का कुछ हद तक हेल्प कर दूंगी। अगर मेरे पास आएगा तो उनका केस बहुत जल्दी हैंडल करवाने की कोशिश करूंगी। जिसको मेनस्ट्रीम इंडस्ट्री में जॉब इसलिए नहीं मिल रहा ताकि काफ़ी सारे इसके पीछे लोगों की गलत फहमियाँ हैं, लोगों की गलत धारणाएँ हैं। और मैं ये नहीं बोल लोगों को नहीं दोष दूंगी क्योंकि कम्युनिटी भी ने कभी अप्रोच नहीं किया कि हमको कहीं मेनस्ट्रीम सोसाइटी में काम करना है। जो कम्युनिटी के जो सर्विसेज थी, जो कमाने के जरिए थे, वही उन्होंने अपनाए और वो वही पकड़ के चल रहे थे। क्योंकि मैंने देखे हैं, मैंने बहुत सारे साथी दोस्त मेरे ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं, उसके लिए अपना घर बार छोड़ के यहाँ मुंबई आते हैं, बट एक्चुअल जो काम के लिए आए हैं वो काम उनका नहीं होता है। लेकिन हमेशा दिक्कत ये होती थी कि हमें डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम होता था, जैसे कि अगर हमें हमारा पासपोर्ट बनाना है तो हमें बोलते थे कि तुम TG हो तो क्या हो, तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट तो मेल के उसमें ही मिलेगा। सबसे पहला जब मेरा ऑपरेशन के बाद जब मैंने सोची मैं जॉब्स मिल सके, तभी हमारा हक भी नहीं मिला था। मैं तभी एक जगह पे पर मैंने अपना रिज्यूम डाली, वहाँ पर मैं इंटरव्यू भी गई थी। जब मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ था तभी उन्होंने मेरे सेक्सुअलिटी के बारे में एक मुद्दा उठाया, क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हो पर मगर दूसरे लोग देखने के जरिया अलग है। इसके वजह से फिर मेरे को खुद को वहाँ पर अनकम्फर्टेबल फील होने लग गया, पहले किसी ने डीमोटिवेट कर दिया करके। पहला मैं ये जानना चाहती हूँ करके कि ऐसा कौन सा जॉब है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी या हिजरा कम्युनिटी का एक पर्सन नहीं कर सकता। शायद लोगों की सोच ये है कि अगर मैं आज करेंटली किसी को एडमिन डिपार्टमेंट में या पेंट्री में चाय बनाने के लिए किसी थर्ड जेंडर को या एजुडे को रखूँगा तो शायद वो वहीं पर वहाँ करके सेक्स वर्क शुरू कर। हमारी कम्युनिटी की इसलिए प्रॉब्लम है कि पुलिस हमको उस तरह से उनकी वजह से हमको डराती है। मैं अगर उस एक्ट में भी नहीं हूँ, मैं उस चीज़ में पकड़ा भी नहीं गया हूँ, खाली उस 377 के नाम से ही डराते हैं। मैं दरअसल में देखना चाहता हूँ कि हर लोकसभा विधानसभा में एक ट्रांसजेंडर रिप्रेजेंटेटिव। दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, पहली चीज़ जो है मेरा दिल या मेरा मन जो है कम्प्लीटली एक फीमेल जैसा है। एट द सेम टाइम जो फिजिकल स्ट्रेंथ जो होते हैं मेहनत वाला काम करने के, तो उसी उसके लिए भी वो टेंडेंसी या वो पोटेंशियल अगर एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का पर्सन का शरीर में। जब चांस दोगे तो कोई चांस देगा, एक हाथ दोगे तो कोई हाथ बढ़ाएगा। अभी हाथ अगर मिला है तो हम भी बढ़ाने के लिए तैयार हैं।